सुजाता टोकरा सिर पर रखकर फुटपाथ पर खिलौने बेचा करती थी और उसका पति महेश ईंट ढोने का काम करता था। दोनों पति पत्नी मेहनत करके गुजारा कर रहे थे। खिलौने ले लो भैया, गुड़िया, गुड्डा, ये झुनझुना गेंद बल्ला। नहीं लेना बहन, आगे जाओ। क्या करूं, आज तो एक भी खिलौना नहीं बिका। दिवाली के दिनों में भी कोई कमाई नहीं हो रही, सब लोग दुकानों से ही खिलौने खरीदते हैं। दीपू, तेरे बापू अभी तक नहीं आए, चल हम घर चलते हैं, तब तक तेरे बापू भी आ जाएंगे। माँ, बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। अभी जाकर मैं तेरे लिए रोटी बना दूंगी। सुजाता घर पहुँचती है और दीपू के लिए रोटी बनाने लगती है। अरे, आटा तो एक ही रोटी का रखा है, अभी दीपू के बापू आएंगे तो उन्हें क्या दूंगी। ये चावल उबाल देती हूँ। क्या हुआ सुजाता, परेशान क्यों हो? घर में चावल आटा खत्म हो रहा है, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं क्या? 60 रुपए हैं, रुक मैं थोड़ा थोड़ा सामान खरीद लाता हूँ। महेश 10-10 रुपए का सामान खरीद लाता है। 2 दिन तो गुजर जाता है, पर अगले दिन सुजाता का अहोई अष्टमी का व्रत था। सुजाता निराहार रहकर व्रत और पूजा कर रही थी। उसने अहोई माता की तस्वीर दीवार पर बनाई, तभी उसका बेटा दीपू आ जाता है। माँ, ये किसकी तस्वीर बना रही है? दीपू बेटा, ये अहोई माता है, आज अहोई अष्टमी का त्योहार है, इसीलिए मैं इनकी पूजा कर रही हूँ। पर माँ, त्योहार पर तो पूरी पकवान बनते हैं, आपने तो कुछ भी नहीं बनाया। दीपू बेटा, मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं पूरी पकवान बना सकूं, इसीलिए ये चीनी का भोग लगा रही हूँ। पर माँ, तुम शाम को फिर क्या खाओगी, तुम भी तो सुबह से भूखी हो। दीपू बेटा, तेरे बापू आएंगे ना, तो वो सब्जी तरकारी लेकर आएंगे, फिर मैं वही बनाऊंगी, उसके बाद ही हम खाना खाएंगे। अब इन 200 रुपए से सब्जी और राशन आ जाएगा, कम से कम सुजाता को शाम की पूजा में बनाने के लिए खाने का इंतजाम हो जाएगा। तभी एक चोर महेश के हाथ से रुपए छीन कर भाग जाता है। अरे पकड़ो भैया, मेरे रुपए छीन कर भाग रहा है, कोई पकड़ो उसे। मोटरसाइकिल पर है, कोई नहीं पकड़ सकता, वो तो तुम्हारे रुपए ले गए। अब क्या करूं, शारदा तो मेरा इंतजार कर रही होगी, अगर मैं खाली हाथ घर लौटा तो वो बेचारी भूखी रह जाएगी, आज उसका होई आठे का व्रत है। सुजाता महेश का इंतजार कर रही थी, दीपू ये सब देख रहा था। माँ, आपने सुबह से कुछ भी नहीं खाया, ना ही पानी पिया, आपको भूख और प्यास नहीं लगी माँ? नहीं मेरे बच्चे, मैं तो अपने बेटे के लिए ये व्रत रख रही हूँ, पहले तुम्हें खिलाऊंगी उसके बाद ही खाऊंगी। माँ, तुम मेरे लिए व्रत क्यों रख रही हो? क्योंकि अहोई अष्टमी का व्रत अपनी संतान के लिए ही रखा जाता है, और तुम तो मेरे राजा बेटे हो, इसीलिए मैं अहोई माता का व्रत रख रही हूँ, ताकि अहोई माता प्रसन्न होकर तुम्हें हमेशा हर मुश्किल और कठिनाई से बचाएं और हमेशा खुश रखें। माँ, क्या अहोई माता से कुछ भी मांगो वो पूरा करती हैं? हाँ बेटा, अहोई माता सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया, बापू भी अभी तक नहीं लौटे, माँ मेरे लिए व्रत रख रही हैं ताकि मैं खुश रहूं, फिर मुझे भी तो माँ के लिए कुछ करना चाहिए, अब मैं माँ के लिए कुछ खाने को लेकर ही लौटूंगा। दीपू एक मासूम और बहुत प्यारा बच्चा था, वो नादान तो भगवान को ही ढूंढने के लिए चल पड़ा। दीपू रास्ते में चलते हुए लोगों से अहोई माता का पता पूछ रहा था। चाची, आप जानती हो अहोई माता कहाँ रहती हैं? बेटा, अहोई माता तो सब जगह विराजमान है, भगवान पूरे संसार में रहते हैं, उन्हें कहीं भी ढूंढ लो, वो तुम्हें हर जगह नजर आएंगी। दीपू सोच में पड़ जाता है। अगर अहोई माता सब जगह है तो वो मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? मैं उन्हें आवाज लगाता हूँ, माँ भी तो मुझे आवाज लगाती है, तब मैं दौड़ता हुआ उनके पास आ जाता हूँ। दीपू अहोई माता को आवाज लगाता है। अहोई माता, अहोई माता, आप मुझे दिखाई नहीं दे रही हो, अहोई माता, अहोई माता। दीपू की करुण पुकार अहोई माता तक पहुंचती है। नारायण नारायण, माते, एक मासूम भक्त आपको करुण पुकार से बुला रहा है। अहोई माता, अहोई माता। आप उचित कह रहे हैं देवी श्री नारद, ये बालक मेरा स्मरण कर रहा है। माते, आप तो जगत जननी हैं, ममता की देवी हैं, आपका अहोई माता अवतार निसंतान को संतान देने वाला
तथा जिनके संतान है उनकी रक्षा करने वाला है। इस बालक की माता ने भी आज आपके नाम का अहोई अष्टमी व्रत रखा है, पर उसने अभी तक अपना व्रत पूर्ण नहीं किया। मैं अपनी द्रव्य दृष्टि से सब कुछ देख रही हूँ देव श्री नारद, और मैं जानती हूँ आपका भी हृदय व्याकुल हो रहा है कि मैं अतिशीघ्र इस बालक के पास जाऊँ। नारायण नारायण, माते आपने बिल्कुल उचित समझा, और फिर माँ तो अपने बालक के हृदय की बात को बिना कहे ही समझ जाती है। जैसे आपने समझी, माँ की महिमा माँ ही जाने। इसके पश्चात अहोई माता दीपू के सामने प्रकट होती है। अहोई माता, अहोई माता। दीपू बेटा, देखो मैं आ गई हूँ, बताओ तुमने मुझे क्यों बुलाया। आप तो बिल्कुल वैसे ही दिखती हो जैसे माँ ने दीवार पर बनाई थी। दीपू की मासूम बातें सुनकर अहोई माता मुस्कुराने लगती हैं। अहोई माता, माँ ने सुबह से कुछ नहीं खाया है, मुझे उनके लिए खाना लेना है, आपकी पूजा में चढ़ाने का सामान लेना है। अच्छा, तो तुम अपनी माता के लिए यहाँ आयो, ये देखकर मैं बहुत प्रसन्न हूँ। जो बच्चे अपने माता पिता का आदर करते हैं वो मुझे अति प्रिय है। अहोई माता के आशीर्वाद से दीपू के हाथ में एक कलश आ जाता है। दीपू, अब तुम्हारी माता को कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। इतने कहते अहोई माता अंतर्ध्यान हो जाती है। दीपू की आँख खुलती है तो वो घर के आंगन में सो रहा था। अरे, मैं तो अहोई माता से मिलने गया था, मैं घर के बाहर कैसे सोया हुआ हूँ? ये कलश तो मुझे अहोई माता ने दिया था। माँ माँ, ये देखो अहोई माता ने मुझे क्या दिया। अहोई माता, वो तुझे कहाँ दिखी? पता नहीं, मैं तो अहोई माता से आपके लिए खाने का सामान लेने गया था, मैंने उन्हें आवाज लगाई तो वो मेरे सामने आई और मुझे ये कलश दिया, पर उसके बाद मैं बाहर सोया हुआ था, ऐसा कैसे हो सकता है? सुजाता, अहोई माता सचमुच हमारे दीपू को दिखाई दी, उन्होंने इसे दर्शन दिए। सुजाता कलश का ढक्कन हटाकर देखती है, उसमें सोने के सिक्के भरे हुए थे। क्या सचमुच अब हमारे दुख दूर हो जाएंगे? हाँ मेरे बच्चे, माँ अहोई के आशीर्वाद से हमारे सारे दुख दूर हो गए। हे मैया, आपकी जय हो। जय अहोई माता, जय अहोई माता। सुजाता महेश और दीपू के साथ मिलकर अहोई अष्टमी की पूजा और आरती करके अहोई माता को प्रसाद भोग लगाकर अपना व्रत पूर्ण करती है। उस दिन से अहोई माता के आशीर्वाद से सुजाता के परिवार में खुशियां आ जाती हैं। माधव सुबह सुबह अपनी रिक्शा को लेकर रेलवे स्टेशन पहुंचा, पर शाम तक कोई भी सवारी उसकी रिक्शा पर बैठने को तैयार नहीं थी। बड़ी मुश्किल से दो तीन सवारियां ही मिली थी। आज भी मुश्किल से दो चार लोग ही मेरे रिक्शा पर बैठे हैं। पता नहीं मेरे दुख के दिन कब दूर होंगे देवी मैया। अरे माधव भैया, अब तुम्हारी रिक्शा पुरानी हो गई है, लोग नई रिक्शा को छोड़कर भला तुम्हारी पुरानी टूटी रिक्शा पर क्यों बैठेंगे, खुद ही सोचो है? अच्छा चलता हूँ, सवारी को छोड़ना है। देवी मैया के भोग के लिए प्रसाद लेता जाता हूँ, गोमती शाम की आरती के लिए राह देख रही होगी। माधव जो कि एक गरीब रिक्शा वाला है, माधव का रिक्शा काफी पुराना हो गया है, इसलिए उसके रिक्शा पर कोई भी सवारी बैठने को तैयार नहीं होती, और तैयार हो भी जाए तो कम पैसे मिलते हैं। माधव बहुत गरीब है और साथ ही साथ शादी के 10 सालों बाद भी उसे औलाद का सुख भी नहीं मिला, इसलिए माधव और गोमती बहुत दुखी रहते हैं। माधव इतने दुख होने के बाद भी माँ दुर्गा से अपना विश्वास कभी नहीं उठाता। वो रोजाना अपनी कमाई में से 10 रुपए बचाकर देवी माँ के भोग के लिए शाम की आरती का प्रसाद लेकर ही घर जाता है, और नियम के अनुसार गोमती और माधव दोनों मिलकर देवी माँ की आरती और पूजा करते हैं। जय अम्बे गौरी मैया, जय श्यामा गौरी। तुमको निस दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी। जय अम्बे गौरी। हे देवी मैया, मेरे जीवन के दुख दूर करो। माँ आप तो ममता मई माँ हो मैया, हमारी झोली में खुशियाँ दे दो देवी माँ, हमारी झोली में खुशियाँ दे दो। माधव और गोमती के आंसू निकल आते हैं।
ये देख नारद मुनि माँ दुर्गा से कहते हैं, नारायण नारायण, हे माँ, हे जगत जननी, आपका भक्त माधव और उसकी पत्नी आपकी भक्ति करके भी इतने दुखी क्यों है माँ? आपका ये भक्त जो भी कमाता है उसमें से रोजाना आपके नाम के प्रसाद के लिए नियम से 10 रुपए अलग निकालता है, रोजाना आपका पूजन और आरती करता है, फिर भी इतनी पूजा के बाद भी इस भक्त के दुख दूर क्यों नहीं होते माँ? देवर्षि नारद, कई बार मनुष्य के पिछले कर्म उसके दुखों का कारण बनते हैं, पर माधव ने मुझे सच्चे हृदय से पुकारा है और मैं अपने भक्तों की पुकार अवश्य सुनती हूँ। आपके कहे अनुसार मैं अपने भक्त की सहायता अवश्य करूँगी, पर इसके लिए मुझे माधव की परीक्षा लेनी होगी। नारायण नारायण, आपकी महिमा अपार है जगदम्बे मैया। माधव रोजाना की भांति रेलवे स्टेशन पर सवारी की प्रतीक्षा कर रहा था, तभी, ओ भैया, जरा मुझे मेरे पते पर छोड़ दोगे? मेरा बटुआ कहीं गिर गया है और मेरे पास पैसे भी नहीं है। माफ करो माताजी, इतनी धूप में पैसे की सवारी छोड़कर तुम्हें छोड़ने थोड़ी जाऊंगा, पागल समझा है क्या? वो सामने माधव रिक्शा वाला खड़ा है, वैसे भी उसे कोई सवारी नहीं मिलती, वो तुम्हें छोड़ देगा। क्या हुआ माँ जी? बेटा, मुझे इस पते पर जाना है, क्या तुम मुझे छोड़ दोगे? तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, पर मेरा बटुआ कहीं खो गया है, तुम्हें देने के लिए मेरे पास पैसे नहीं है, क्या तुम बिना पैसों के मेरे पते पर मुझे छोड़ दोगे? हाँ हाँ माता जी, पैसों की कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो, आप मेरी रिक्शा पर बैठ जाओ, मैं आपको इस पते पर छोड़ दूंगा, वैसे भी मुझे अभी कोई सवारी तो मिल नहीं रही है, मैं खाली ही खड़ा हूँ, इसी बहाने आपको ही छोड़ देता हूँ। जीते रहो बेटा, देवी मैया का आशीर्वाद तुम पर सदैव बना रहे। माधव उस बुढ़िया को अपने रिक्शा पर बिठा कर पते पर छोड़ने के लिए चल पड़ता है। रास्ते भर गर्मी और धूप में माधव को पसीने भी आ रहे थे और धूप भी बहुत तेज थी। बेटा, बस रिक्शा को यही मंदिर के पास रोक दो। ठीक है माँ जी। बेटा, तुम बहुत अच्छे हो, इतनी गर्मी और धूप में तुमने मुझे यहाँ तक छोड़ने के लिए हामी भर दी, और वो भी बिना पैसों के। और देखते ही देखते वो बुढ़िया देवी माँ के रूप में आ जाती है। माधव, तुम मेरे सच्चे भक्त हो, तुम मेरी परीक्षा में सफल हुए हो। देवी माँ, आप जय हो मैया, जय हो, जय माता दी। माधव, मैं तुम्हारी परीक्षा लेने आई थी। जो व्यक्ति जरूरतमंदों और दुखियों की निस्वार्थ सेवा और मदद करता है, उसके सारे दुख दूर करना मेरा कर्तव्य बन जाता है। आज से तुम्हारे जीवन के सारे दुख दूर हो जाएंगे, ऐसे ही सबकी सहायता और अच्छे कर्म करते रहना। मैं तुम्हें संतान, धन, वैभव और सुख शांति का आशीर्वाद देती हूँ। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे ऊपर बना रहेगा। और उस दिन देवी मैया के आशीर्वाद से माधव और गोमती की झोली खुशियों से भर जाती है।